और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी। दोस्तों आप ये बात तो जानते ही होंगे कि इस्लाम धर्म में अपनी ही चचेरी बहन से शादी करने का रिवाज है। दोस्तों इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से फैलता हुआ धर्म है। पूरी दुनिया में ईसाई धर्म के बाद इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या दूसरे नंबर पर है। दोस्तों हिंदुस्तान में अक्सर ही हिंदू और मुस्लिम भाई एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस्लाम धर्म के बारे में जैसा आपको बताया गया, जो भी आप इस्लाम धर्म के बारे में जानते हैं वह सच नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस्लाम के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस्लाम धर्म में अपनी बहन से शादी करने का रिवाज है और इसे बाकी धर्म के लोग एक बहुत बुरी प्रथा मानते हैं। लेकिन क्यों ये प्रथा शुरू की गई, इसके पीछे क्या कारण है, आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। हमारे साथ आज के इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस्लाम धर्म की शुरुआत अरब के मक्का मदीना शहर में हुई थी। कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर माने जाने वाले पैगंबर मोहम्मद ने मक्का इस्लाम धर्म की नींव रख के शुरू की और बाकी दुनिया में इस्लाम धर्म का प्रचार किया था। मक्का में इस्लाम धर्म के उदय के बाद यह दुनिया के बाकी हिस्सों में फैलने लगा। पैगंबर मोहम्मद ने ही अल्लाह के उपदेशों को दुनिया तक पहुंचाने का काम किया और इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान पाक को रमजान के महीने में नाजिल किया। आज पूरी दुनिया में इस्लाम को मानने वाले लोग दूसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर ईसाई धर्म के लोग आते हैं। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म तेजी से फैलता हुआ धर्म है और हर साल इसे मानने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बहुत से लोग इस बात की तरफ हमेशा ही उंगली उठाते हैं कि आखिर कैसे इस्लाम धर्म इतनी तेजी से बढ़ रहा है और फैल रहा है। तो आपको बता दें कि इस्लाम धर्म की सच्चाई और इसकी पाक साफ नीयत, जो हर मुसलमान को एक सच्चा इंसान बनना सिखाती है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि जो शख्स एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता वो कभी सच्चा मुसलमान नहीं बन सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम में सभी चीजों के ऊपर इंसानियत को रखा गया है। इस्लाम में अन्य धर्मों की इज्जत करने और बिना किसी जोर जबरदस्ती के इस्लाम का प्रचार करने का हुक्म है। दोस्तों आपने मुस्लिम महिलाओं को काले रंग के बुरके में जरूर देखा होगा, जिसे नकाब भी कहा जाता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम में किसी भी धार्मिक किताब में ये नहीं लिखा है कि औरतों को काले रंग के लिबास से खुद को ढकना चाहिए या नहीं, बल्कि कुरान शरीफ में एक औरत और एक आदमी दोनों को ही ढंग के कपड़े पहनने की हिदायत दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे कि लोगों को लगता है कि इस्लाम में औरतों को दबाया जाता है, मगर ऐसा नहीं है, बल्कि इस्लाम में औरतों का दर्जा उतना ही ऊंचा रखा गया है जितना कि बाकी धर्मों में है। इस्लाम में बेगम आयशा इस्लाम धर्म के इतिहास की सबसे शक्तिशाली औरत थी, जिनका मिजाज एकदम अलग था। उन्हें एक ताकतवर महिला के रूप में हमेशा ही याद किया जाता है। दोस्तों पैगंबर मोहम्मद ने 613 ईस्वी में मक्का के लोगों में इस्लाम धर्म का प्रचार करना शुरू किया था और तभी से उनके दिए गए उपदेश लोगों की जिंदगी बदलते आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस्लाम में बेगुनाह का करने की सख्त सजा है और उसकी कोई भी माफी अल्लाह ताला से नहीं होती। इस्लाम में शराब पीना सख्त मना है। इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि शराब सारी बुराइयों की जड़ है, जो हमें धर्म और कर्म दोनों से दूर रखती है, हमें एक बुरा इंसान बनाती है। शराब को हाथ लगाना भी एक मुसलमान के लिए पाप माना जाता है। आपको बता दें कि जिन कॉस्मेटिक या फिर जिन चीजों में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है उन्हें इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी है। दोस्तों एक मुसलमान पर हर रोज 5 वक्त की नमाज फर्ज बताई गई है, फिर चाहे वह कोई लड़का हो या लड़की। इसके अलावा खैरात, जकात, रोजे रखना और बकरा ईद पर कुर्बानी करना भी इस्लाम में जरूरी समझा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह हिंदू लोग 4 धामों की तीर्थ यात्रा करते हैं, ठीक उसी तरह मुसलमान भी हज की यात्रा करते हैं। हज करने के लिए हर साल दुनिया भर के मुसलमान बकरा ईद के बाद हज करने के लिए जाते हैं। यहाँ 3 दिन की हज यात्रा में एक हाजी काबा के चारों तरफ चक्कर लगाता है और 3रे दिन अपनी हज की यात्रा पूरी करता है। आपको बता दें कि मुसलमान काबा में इबादत के लिए साल में 2 बार जा सकते हैं, पहला तो बकरा ईद के आसपास जिसे हज कहते हैं, दूसरा साल में किसी भी वक्त जिसे उमरा करना माना जाता है।
दोस्तों इस्लाम धर्म में अपनी बहन से शादी करने का रिवाज है। दरअसल हिंदू रीति रिवाजों में चाचा, ताया, बुआ, मौसी, मामा की बेटी सगी बहनों जैसी ही मानी जाती है, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में अपनी सगी बहन को छोड़कर अपनी बुआ, मौसा, मामी, चाचा, ताया के बच्चों से शादी करवा देते हैं, मगर इसमें चौंकाने वाली बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि साउथ इंडिया में कई हिंदू समुदाय के लोग इस तरह से शादी करते हैं। साउथ इंडिया में अपने दूर के मामा के साथ भी शादी कर दी जाती है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि इस्लाम धर्म में लोग अपनी दाढ़ी नहीं कटवा सकते, जिस तरह सिखों को लंबे केश और दाढ़ी रखने का हुक्म है, ठीक उसी तरह से इस्लाम धर्म के लोगों में भी आदमियों के द्वारा दाढ़ी रखना जरूरी माना जाता है। दोस्तों हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक जब कोई व्यक्ति इस दुनिया को अलविदा कह देता है तो उसके शव को ऐसे ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, मगर इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि कयामत के दिन जब अल्लाह हिसाब लेंगे तो मुसलमानों को उनकी कब्र से पहचान लेंगे और उन्हें उठाकर उनसे सवाल जवाब करेंगे, तब उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से सजा दी जाएगी, तब उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से अल्लाह जन्नत या दोजख में जाने का हुक्म सुनाएंगे। कहा जाता है कि उस वक्त जब कयामत आएगी तो हर मुसलमान को उसकी नमाज ही बचा सकेगी। दोस्तों आपको बता दें कि इस्लाम में एक से ज्यादा शादी करने का हुक्म है, और यहां तक कि पुराने जमाने में एक आदमी चार चार बीवियों से शादी कर सकता था, हालांकि अब ऐसा नहीं है। इस्लाम अपने शरीयत कानून पर ही चलता है और हर मुसलमान शरीयत कानूनों का ही पालन करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस्लाम धर्म में मांस खाने पर कोई पाबंदी नहीं है। मुसलमानों को मांस खाने की छूट दी गई है, मगर कोई भी मुसलमान किसी हराम जानवर का मांस नहीं खा सकता। हराम जानवर में वह जानवर आते हैं जिन्हें अल्लाह के नाम पर कुर्बान न किया गया हो, जो किसी बीमारी की वजह से मर गए हों, या फिर वह जानवर जो कि किसी एक्सीडेंट में मारा गया हो। कहने का मतलब है कि पहले से मरे हुए किसी भी जानवर का मांस खाने की इस्लाम में सख्त से सख्त मनाही है। इसके अलावा कई जानवर जिन्हें इस्लाम में खाना मना है उनका मांस भी हराम माना जाता है। ऐसा ही एक जानवर है सूअर, जिसका नाम तक लेना भी इस्लाम में हराम यानी कि अवैध माना जाता है। कोई भी मुसलमान सूअर का मांस नहीं खा सकता। हर मुसलमान को उनकी धार्मिक किताब कुरान पाक को पढ़ना आना चाहिए। पांच वक्त की नमाज और रमजान में रोजे रखना, गरीबों में खैरात बांटना, ये सब इस्लाम की खूबसूरती है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। इस्लाम अगर पूरी दुनिया में तेजी से फैलता हुआ धर्म है, उसके पीछे कारण है कि इसका शांति प्रिय और सरल होना। इस्लाम में जोर जबरदस्ती करने की मनाही है। यहां तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम में लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करने का भी हक है। एक लड़की अगर चाहे तो अपनी पसंद से बिना शादी से इनकार भी कर सकती है। दोस्तों धर्म कोई भी हो, वह कभी बैर करना नहीं सिखाता और ना ही दूसरे धर्मों को नीचे दिखाना सिखाता है। हर धर्म की अपनी अपनी सुंदरता है, अपनी अपनी खूबसूरती है। ये बात हर इंसान को समझनी चाहिए और एक धर्म से दूसरे धर्म की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। इससे आपसी प्यार और सद्भाव बढ़ेगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोज को रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।